हेलो माय स्टूडेंट्स मानसी वेलकम बैक टू टू चैनल सो सो नाउ वी आर गोइंग स्टार्ट विद चैप्टर नंबर लाइफ प्रोसेसेस न्यू बुक के हिसाब से चैप्टर फाइव हो गया है अब ये सो लाइफ प्रोसेसेस में देखो पहली बात तो चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है हमारी लाइफ जो है उसके अंदर जो जो प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं वो सब चीजें आती हैं लाइफ प्रोसेसिस में अब कौन कौन सी आती है देखो ऑल द प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन न्यूट्रो respiration circulation excretion etc that are necessary for the survival of the living organism are known as life processes so हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे अलग-अलग प्रोसेस चलते हैं respiration का digestion का circulation का excretion का सो so, ये जो सभी प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं इसी की वजह से हमारी बॉडी सरवाइव कर पा रही है सो so, इन्हीं सब के बारे में हम इस सेशन में इस चैप्टर में पढ़ने वाली हैं. ठीक है चीके? चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं So, पहले कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं सो सम ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस इन द लिविंग बीइंग्स आर डिस्कस बिलो सबसे पहले न्यूट्रिशन सो so, हमारा पहला टॉपिक होगा न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन बेसिकली इज जो हम छोटी क्लासेस में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हुए आए हैं सो so, वही चीज है सो द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग एनर्जी थ्रू कंज्यूमिंग कंजम्पशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन जो हम फूड खा रहे हैं उससे जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है एनर्जी मिलती है उस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन का प्रोसेस बोलते हैं सो so, सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि रेस्पिरेशन हमेशा सोचते हैं हाँ हमने अपना ऑक्सीजन लिया कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा यही हमारा पूरा वो रेस्पिरेशन होता है ऐसा नहीं है इसमें बहुत सारी चीजें जो कि हमें चैप्टर में पढ़ेंगे और इतने इजी वे में पढ़ेंगे कि आपको बहुत सिंपल लगेगा ठीक है सो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन थ्रू ब्रीदिंग एंड मेक इट अवेलेबल टू सेल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंटू सिंपलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन अब पढ़ के लगेगा क्या 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 हो गया ये इतना सारा सो so, ये तो समझ में आ गया होगा कैसे हम ऑक्सीजन ऑप्टेन करते हैं ब्रीदिंग के थ्रू ठीक है ना अब वो हेल्प क्या करती है वो हमारे अंदर जाके ग्लूकोज को कैसे ब्रेक डाउन वगैरह करती है वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एंड इतना मतलब जो पूरा अभी मैं सारा अभी डिटेल में बता दूंगी तो हम टॉपिक पे क्या पढ़ेंगे अभी बस मैं वो बता रही हूँ कि क्या क्या इस सेशन में हम करने वाले मतलब इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमारे आएंगे सो रेस्पिरेशन के बाद वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन अब ट्रांसपोर्टेशन

वो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में देन एक्सक्रीशन ये सबसे सिंपल वाला टॉपिक होने वाला है जो बचपन से पढ़ते आए हो ज्यादा कुछ इसमें एड ऑन नहीं होगा इट इज द प्रोसेस बाय विच द मेटाबॉलिक वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन एंड रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी सो हमारी बॉडी में ये जितने सारे प्रोसेस हो रहे हैं उन सबसे जो भी बाय प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर नहीं है वो बॉडी से कैसे निकलते हैं कैसे एक्सक्रीट होते हैं वो सब हम एक्सक्रीशन में पढ़ने वाले हम, हम, हम लोग स्टार्ट करने वाले न्यूट्रिशन हमारा पहला टॉपिक सेशन शायद थोड़े से लंबे होंगे सो बट आई विल मेक श्योर की आपके लिए इतना ईजी हो जाए कि आपको आगे दिक्कत ना हो सो लेट्स गेट स्टार्ट आई सी यूल